मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर सिक्स है वचन। हम देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के हो गए, एक वचन और बहुवचन। अब हम देखते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मछली, लड़का, पुस्तक आदि जो एक शब्द होगा, एक चीज का बोध कराता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। अगर जब एक से अनेक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तब हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मछली, एक मछली रहेगी तो मछली, और एक से जब जाते हो तो मछलियां मछलियां। एक लड़का है तो लड़का, एक से ज्यादा जब लड़का होगा तो लड़की। पुस्तकें, इस तरह से एक वचन से बहुवचन हो गए। और देखते हैं कि यहाँ मछली ऐसे दीर्घई की मात्रा लगाया गया है और यहाँ मछलियां में ह्रस्व की मात्रा है। तो जब भी एक वचन से बहुवचन जब हम बनाते हैं तो ये मात्रा जो है ये बदलकर ये ह्रस्व की मात्रा होता है। जैसे हम लिखते हैं बकरी, एक बकरी रहेगी तो बकरी, और जब एक से ज्यादा बकरी होगी तो बकरियां। बहुवचन में शब्द के जिस रूप के द्वारा एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। और वचन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। बहुवचन शब्द का प्रयोग होने पर क्रिया शब्द भी बहुवचन हो जाता है। जब हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्रिया शब्द भी बहुवचन हो जाता है। लड़का खेल रहा है, बहुवचन में हो जाएगा लड़के खेल रहे हैं। लड़की गा रही है तो लड़कियां गा रही है। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा होता है। जैसे भीड़, आदमी, पेड़, पिता, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू, बादल आदि शब्द जो है हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे आदमी सो रहा है तो आदमी सो रहे हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ कुछ बहुवचन
शब्द एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए गए हैं, जैसे पुस्तक से पुस्तकें, लड़का से लड़के, रानी से रानियां, पहले भी बताए हैं, जैसे मछली से मछलियां, पंखा से पंखे, माला से मालाएं, घड़ी से घड़ियां, कुर्सी है तो कुर्सियां, इस तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। शब्दों को आप लोग याद कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आपके बुक में यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? पहले भी आप लोगों को हम बताए हैं कि वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हो गए? तो वचन के दो भेद हो गए, एक वचन और बहुवचन। उदाहरण सहित लिखिए, तो एक वचन में मछली, लड़का, पुस्तक और बहुवचन में मछलियां, लड़के और पुस्तकें। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करना है तो तीनों चला दो, यहाँ तीनों है तो पंखे हो जाएंगे, बिखरी पड़ी है तो मालाएं हो जाएगा, कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं का दरवाजा खोल दो, कमरे का दरवाजा खोल दो, आकाश में पतंगे उड़ रही है, यहाँ है पर नहीं है, यहाँ आकाश में पतंगे उड़ रही है, पुस्तक है तो पुस्तके, नदी है तो नदियां, यहाँ सड़के दिया गया है, यहाँ हम सड़क लिखेंगे, आंखें हैं तो यहाँ आंख लिखेंगे, पंक्तियां बहुवचन है तो एक वचन पंक्ति लिखेंगे, तितली है इसका बहुवचन तितलियां, कथा तो कथाएं, दीवार होगा क्योंकि यहाँ दीवारें लिखे गए हैं इसलिए दीवार। अब नीचे दिए गए एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को अलग अलग कर लिखना है, जैसे एक वचन और बहुवचन, एक वचन में हो जाएगा थैला, पतंगे बहुवचन, महिलाएं बहुवचन, झंडा एक वचन, चीटी एक वचन, कांटे बहुवचन, बधुए बहुवचन और सभा एक वचन। अब निम्नलिखित वाक्यों का वचन शुद्ध करके लिखना है, इस तरह से सबको सॉल्व कीजिएगा। फिर याद दिया गया है कि रंगीन शब्दों के एक वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अब रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, तो यहाँ लड़का ब्लू कलर से लिखा हुआ है तो लड़के साइकिल चला रहे हैं, पंडित पूजा कर रहा है तो क्या हो जाएगा बहुवचन, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जिनको सम्मान देना रहता है तो यहाँ पर बताए हैं कि हैं के ऊपर एक भूमिका दिया जाता है, क्योंकि पंडित जी को भी सम्मानित किया जाता है, किताबें बस्ते में रखी है तो किताब बस्ता में है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो बहुवचन चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, जब हम लिखते हैं तो ऐसे चिड़िया एक वचन में ऐसे हो गया, बहुवचन में चिड़िया लिखते हैं तो इसमें चंद्रबिंदु सिर्फ लग जाएगा तो ये बहुवचन हो जाएगा। अब दरवाजे बंद कर दो तो दरवाजा बंद कर दो, इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आपका चैप्टर 6 का वचन। धन्यवाद।